सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए सब्जियों की गाड़ियों की लेन हुई अलग। लॉकडाउन के दौरान गुरुवार को महवा मंडी में नई व्यवस्था लागू हुई। मंडी में सभी सब्जियों की गाड़ियों की लेन अलग अलग हुई। इस दौरान मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव ने कहा, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सब्जी की गाड़ियों के बीच 10 फीट की दूरी पर लगवाया गया और मंडी में थोक सब्जी बेच रहे व्यापारियों को भी 10 से 15 फीट दूरी मेंटेन करते हुए सब्जी लगवाया गया, जिससे कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। मंडी में सभी को मास्क पहनकर ही सब्जी बेचने के लिए कहा गया। इसका अनुपालन करने के लिए मंडी के इंस्पेक्टर और पदाधिकारी समय समय पर जांच करते हैं रहते हैं। इसके लिए गार्ड को भी लगाया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव ने कहा, ये चला यही वही बात हो रही है कि आप किसान यहाँ पर जो है स्वयं नहीं बेचेगा, वही कर आके व्यापारी तोला ले किसान घर जाए। यही बात है कि ये लोग अब ये क्या है, ये लोग व्यापारी को थोड़ा देंगे। अब आदत बनी हुई है वहाँ हरी सब्जी मंडी की आके स्वयं बेचने की, नहीं वो कुछ वो सिस्टम चल नहीं पाएगा। तो आपका कहना सही है, आप सही व्यापारी को सिस्टम ही यहाँ से शुरू से है कि किसान आएगा अपना माल व्यापारी के वहाँ बेचेगा और चला जाएगा। हमारा व्यापारी उसको कैसे बेचेगा वो सिस्टम है, यही सिस्टम को हमने बोला। हम के लिए हिम्मत चाहिए, गौशाला में कहे उठा तुरंत यहाँ से चलते बनो। तमाशा बनाए हो तुम लोग, फुटकर मंडी है, एक बोरा लेके बेचना शुरू कर दिया, लेके इतना ही बेचना शुरू कर, ले जाओ जाओ शहर में बेचो, ठेले पे ले जाओ शहर में बेचो, को रोकेगा? आरती को ले देते ही नहीं, अपने मन को बेच रहे सुबहली करो जल्दी। अरे इसी में से ले जाओगे वो आरती तो ये टमाटर का रेट 250 का रेट। मैं अंकुश श्रीवास्तव मंडी निरीक्षक गोरखपुर की मीटिंग हुई है, माननीय हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एडीएम सिटी साहब रात में आए अपना, और इस क्रम में जो है आज गाड़ियां जिन्सों की अलग कर दी गई हैं, टमाटर की लेन अलग बना के जो है उसको थोड़ा दूर स्प्रेड कर दिया गया है, सारी जिन्सों को पूरी मंडी में स्प्रेड कर दिया गया है, जिससे जो है जनता की भीड़ जो है बट जाए। और कड़ाई से इसका अनुपालन करने के लिए कहा गया है व्यापारियों से कि यदि जो है कड़ाई से अनुपालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और अधिक जो है सख्ती की जाएगी। सोशल डिस्टेंस को देखते हुए सर क्या क्या यहाँ पर मंडी में व्यवस्था की है? देखिए सोशल डिस्टेंस को देखते हुए यहाँ पर गाड़ियों को जो है गाड़ियों के बीच की दूरी जो है 10 से 12 फीट की स्टैंडर्ड करा दी गई है, जिससे जो है उन वहाँ पर दूरी बनी रहे, आपस में लोगों की दूरी बनी रहे, और गाड़ी प्रत्येक गाड़ी के बीच में जो दो ट्रकें लगेंगी उसके बीच में 15 से 20 फुट की दूरी होनी चाहिए। ये मानक जो है सभी लोगों को बता दिया गया है और स्वयं भी रह के उसको अनुपालन करा दिया गया है प्रथम बार, और उनको बता भी गया है। मास्क को लेकर सर क्या क्या? मास्क और देखिए यहाँ पे लगभग 100% जो है पिछले कई दिनों से हम ये एक मुहिम ही चला रहे थे और कि प्रत्येक व्यक्ति जो है मास्क यहाँ पहना हो, तो हमने जो है लगभग यहाँ पे 100% इस चीज़ को जो है प्राप्त कर लिया है, प्रत्येक 100%, और यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये गेट पे ही ये सुनिश्चित हो जा रहा है कि वो मास्क पहन कर ही आए।